हेलो एवरीवन, आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो नेम रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, देखो भाई, बहुत आसान सी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आप एक एल्काइल हैलाइड लेते हो, जैसे कि हमने ले लिया CH3Cl, ये एल्काइल और ये हैलाइड। तो आपको बुक के अंदर R और X मिल सकता है लिखा हुआ। X अपने पास क्लोरीन और आप ब्रोमीन की बात करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को करवाते हो। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है क्या, CH3 और CH3, एल्केन टाइप का अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा 2 times। इसकी ट्रिक देख लीजिए क्या होगी। फॉर एग्जांपल अपने पास, तो इसका मतलब ये जब 2 निकल रहा तो इसका मतलब यहाँ पर होगा कि 2 CH3Cl होंगे और यहाँ से 2 Na आप इसके अंदर डाल दोगे। कैसे करोगे इसको सोल्व भाई, CH3Cl और यहाँ पे भी हम बेटा लिख लेते हैं CH3 और Cl। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास सोडियम आपने इसके अंदर डाल लिया, तो कितने टाइम्स, 2 times डालना पड़ेगा। आप इसको बाहर निकाल दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो क्या बना, CH3 और CH3। यहाँ से क्या हुआ, 2 NaCl बाहर निकल गया भाई, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन हुई कौन सी, वुड्स। अब हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन वो है फिटिग रिएक्शन। कौन सी है, फिटिग रिएक्शन। इसमें आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, यहाँ पर आप एराइल हैलाइड लेते हो, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। तो आप यहाँ पर दो रिएक्शन में ऐसे लिखोगे, सॉरी, दो रिएक्टेंट लिखोगे, यहाँ पर एल्काइल की जगह एराइल हो जाएगा हमारे पास। वो हैलाइड में आप यहाँ पर जैसे Cl ले लिया, सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पर अपनाओगे तो यहाँ पर भी Cl, वही Na ईथर जो इसमें डाला था वही सेम कंडीशन आप इसके अंदर डाल देते हो। तो Na यहाँ पर लोगे तो इसको आप बाहर निकालिए तो आपके पास बन गई, ये दो रिंग आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसको आप बोलोगे कौन सी, फिटिग रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात थी, यहाँ पर आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, इसमें आपने क्या ले लिया, एराइल हैलाइड ले लिया। अब हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। कौन सी, वुड्स फिटिग। देखिए नेम्स इंडिकेट हो रहा, वुड्स का भी कम्बिनेशन है और फिटिग का भी कम्बिनेशन। वुड्स में क्या लिया था आपने, एल्काइल हैलाइड, फिटिग में क्या लिया, एराइल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड। तो ले लीजिए भाई, एल्काइल हैलाइड CH3, वुड्स के नाम का Cl, और फिटिग में अपने पास क्या हो जाएगा, ये Cl। सेम वही सोडियम और इथर आप इसके अंदर डाल देते हो, तो सोडियम आपने यहाँ से डाल दिया तो इसको बाहर निकाला यहाँ से, तो क्या बन गया अपने पास, यहाँ पर आपने जोड़ दिया इस पे CH3 ग्रुप। तो बहुत आसान सी रिएक्शन थी। तो हमने यहाँ पर 3 रिएक्शन नेम रिएक्शन पढ़ ली है, कौन कौन सी, वुड्स रिएक्शन, दूसरा फिटिग रिएक्शन, तीसरा वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स में क्या किया, एल्काइल हैलाइड लिया और सोडियम इथर डाल दिया तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया। फिटिंग में क्या किया आपने, 2 एराइल हैलाइड ले लिए और फिर आपने सोडियम और इथर को डाल दिया तो अपने पास ये कंडीशन आ गई, वुड्स फिटिंग, दोनों का कम्बिनेशन आ गया। तो दोनों के कम्बिनेशन में क्या किया, ये वुड्स के नाम का और ये फिटिंग के नाम का, तो दोनों को जोड़ दिया और आपने दोनों को यहाँ से मिला दिया तो 2 NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बहुत आसान सी रिएक्शन थी। एग्ज़ाम के अंदर अगर हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं, 12th class के CBSE की बात करते हैं, तो बेटा करीबन करीबन हम ये बात कहेंगे 4 से 5 नंबर में आपकी नेम रिएक्शन जो आती है वो आने के, वहाँ से टेंडेंसी रहती है, वहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई 4 से 5 नंबर की आपकी रिएक्शन नेम रिएक्शन ही आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।